रिसर्च ओरिएंटेड इवेंट नहीं बनाना चाहते थे। कल सुबह प्रारंभ होगा और 3 दिन का ये सम्मेलन है और इसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स तथा भारत सरकार की जो जल से संबंधित मंत्रालय हैं, जो एजेंसीज हैं, उनके प्रमुख आ रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव आ रहे हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन भी आ रहे हैं। खास ये रहेगा कि जो भी जल से संबंधित, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो सूखा की समस्या हो, या उससे संबंधित और भी जो भी समस्याएं हैं, जैसे वाटर अवेलेबिलिटी का, कि हमारे सारे जो नागरिक हैं भारत के, उनको जो है जल मिल सके, उसकी जल की आपूर्ति हो सके, इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक साइंटिफिक तरीके से कैसे उसका निदान किया जा सके और कैसे हम कुछ ऐसे स्कीम बना सकें जिसका कि सरकार जिस पर काम कर सके। का उद्देश्य ये था कि हम 26 से 28 तारीख को रुड़की में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका नाम है रुड़की वाटर कॉन्क्लेव। इस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि रुड़की में, क्योंकि जल के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर NIH है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो कि राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, IIT रुड़की है, और IIT रुड़की में कई विभाग हैं जो कि जल के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो हमारी एक परंपरा रही है, एक इतिहास है जल के क्षेत्र में शोध कार्य करने का, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने ये तय किया है कि हर 2 साल में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें कि जल के क्षेत्र में जो बहुत गंभीर समस्याएं हैं, हर समस्या को एक कॉन्क्लेव में, एक समस्या को लिया जाएगा, उस पर गहन चिंता की जाएगी ताकि उस समस्या का हल ढूंढा जा सके। विशेषज्ञ आ रहे हैं जिसमें कि 34 कीनोट एड्रेस होंगे, और ये वो लोग होंगे जो कि अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है और ये जानी मानी हस्तियाँ हैं। इसके अलावा और भी एक्सपर्ट्स होंगे जो कि अपना लेक्चर देंगे और पेपर प्रेजेंट करेंगे।